आप ही के बीच में से मेरे एक स्टूडेंट ने मेरे पास सवाल भेजा। वैसे भेजते तो डेली हैं बच्चे, बट मैं सबका सवाल नहीं बताता हूँ, जो मुझे ज़्यादा उचित और सटीक लगता है ना, मैं वही सवाल बताता हूँ। तो आज का जो सवाल है वास्तव में अपने आप में थोड़ा टेढ़ा है, मगर सिंपल काम करके ही उसको हम लोग जीतेंगे। तो आज की वीडियो कौन कौन देख रहा है कमेंट में बताएगा, वीडियो कैसा लगा, सवाल समझ में आया कि नहीं आया अंतिम में ज़रूर लिखिएगा। आप लोग एक काम करते, वीडियो के अंतिम में अगर कमेंट करते तो ज़्यादा अच्छा रहता, पहले ही कमेंट कर देते हो, बाद में वीडियो देख करके चले जाते हो ऐसे बिना कुछ कहे। वीडियो देखने के बाद कमेंट करो, तब जा कर के मुझे फीडबैक पता चलेगा कि रियलिटी क्या है, आपको कितना बेनिफिट हो रहा है मुझे तब जा कर के महसूस होगा। ठीक है, मैं देखता हूँ कि कोई बस दो ही मिनट में कमेंट कर देता है, तो इन चीज़ों से दूर रहो यार। खैर, आज का सवाल मैं पहले लिख देता हूँ, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, 2x काट x बटे रूट में x, बस मोबाइल में ही सवाल आया है। ठीक है, 2x काट x बटे रूट x, ध्यान दीजिए, 2x इंटू काट x बटे रूट में x, इसी का क्या करना है, अवकलन करना है, हैं का अवकलन कीजिए। तो भाई देखो, कोई घबराएगा नहीं, कोई भागेगा नहीं, और ये सवाल छोटा मोटा नहीं है, ये एग्ज़ाम में 4 मार्क में आ सकता है। अपने आप में यह एक अच्छा और बड़ा सवाल माना जाएगा। तो चलिए शुरू करते इसका सलूशन, क्योंकि आप देख रहे हैं एम सलूशन। देखो, अंश और हर, अंश बटे हर के रूप में लिखा है, तो अंश बटे हर वाला सूत्र हम लगाएंगे। अंश बटे हर वाले सूत्र का तो आपको पता अगर नहीं है तो मैं ऐसा पता बता दे रहा हूँ कि कभी भूलेगा नहीं, है अंश बटे हर का अगर आप अवकलन करते हो तो हर को 2 बार थोड़ा दूर दूर लिख दीजिए, नीचे वाले को ऐसे 2 बार दूर दूर लिख दिया, उसके बाद डी बटे डी एक्स को भी 2 बार दूर दूर लिख दीजिए। अब अंश को कोष्टक में बंद करके 2 बार दूर दूर लिख दीजिए। अंश क्या है, 2x काट एक्स और 2x काट एक्स, 2 बार हो गया। ये जो बीच में जगह यहाँ माइनस रहेगा, ऐसा लिखिएगा कि हम बीच में जगह बचे ताकि माइनस, यहाँ पर नीचे वाले को लिख देंगे, इस पर 2 घात लगाने से ये भी 2 बार हो जाएगा। देखिए, रूट में एक्स ऊपर 2 बार लिखा है, डी बटा डी एक्स 2 बार लिखा है, ये वाला कोष्टक भी देखिए 2 बार है, तो नीचे वाला भी मैंने देखिए 2 बार कर दिया, स्क्वायर लगा दिया, तो ये 2 बार वाला नियम यहाँ पे काम कर गया। और बहुत आसान है, ये बहुत आसान है, आप यू भी मान के, अंश बटे हर मान के, प्रथम फलन द्वितीय फलन मान के भी करते हो, बट मेरा तरीका कि हर चीज़ 2-2 बार दूर दूर लिखते जाओ, काम बन जाएगा। अब आइए यहाँ पे नीचे, रूट में एक्स जहाँ पर है वैसे रहेगा। अब ये देखिए, ये दोनों कहते हैं कि मेरा भी 2 फलन के गुणनफल का अवकलन वाला सूत्र लगाइए गुरुदेव, तो यहाँ पर भी पहला वाले को 2 बार लिखेंगे दूर दूर। ठीक है, अब फिर डी बटा डी एक्स भी लिखेंगे, लिख दिया, फिर काट एक्स को भी लिखेंगे 2 बार। ठीक है, बीच में प्लस चिन्ह, यहाँ पर प्लस क्यों, क्योंकि यहाँ 2 फलन के गुणनफल का अवकलन हो रहा, तो गुणनफल वाले में बीच में प्लस और भागफल वाले में बीच में माइनस, क्लियर, बाकी तो आप समझ ही रहे हो। और ये जो बड़ा कोष्टक आया ना, ये छोटा कोष्टक के अंदर से बड़ा कोष्टक पैदा हुआ है, छोटा कोष्टक के अंदर 2 फलन के गुणनफल का अवकलन हुआ, इतना ज़्यादा हुआ। अब इसे लिख लीजिए, ठीक है,
और रूट में एक्स का अवकलन क्या होता है, एक बटे दो रूट में एक्स। अब बटा के नीचे रूट में एक्स का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ एक्स होगा। अब क्या होगा, दो रूट में एक्स का सीधे इसमें गुणा कर दीजिए, बस दो रूट में एक्स का सीधे इसमें गुणा करेंगे तो जाएगा टू एक्स। ठीक है, क्या हो गया टू एक्स, और ब्रैकेट में क्या बच रहा है, टू की पावर एक्स, कॉट एक्स है ना, कॉट एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस में कोसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस यहाँ लग गया। ठीक है, और ये प्लस कॉट एक्स, और टू की पावर एक्स का अवकलन होता है टू की पावर एक्स लॉग टू बेस ई, और बड़ा कोष्टक बंद, माइनस दो की घात एक्स काट एक्स, बटा के नीचे क्या होगा बताता हूँ। दो करड़ी में एक्स का गुणा हमने कहाँ किया, यहाँ किया, तो टू एक्स हो गया। अब दो करड़ी में एक्स का गुणा यहाँ नीचे भी होगा इसमें, तो दो करड़ी में एक्स इंटू एक्स ऐसे हो जाएगा, दो कड़ी में एक्स इसमें जब गुणा करेंगे दो कड़ी में एक्स गुणा एक्स हो गया। ठीक है, अब आपको समझना क्या है बताता हूँ, अब आपको समझना है ओवरऑल क्या समझना, ध्यान से समझिएगा। टू की पावर एक्स यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से काम में लेके बाहर कर दीजिए। ठीक है, और इस दो को यहाँ से हटाना है। दो को कैसे हटाएंगे बताते हैं, इन सब में तो दो का गुणा हुआ ही है, और यहाँ पर दो का गुणा नहीं हुआ है, एक मिनट में इसको चेक करता हूँ। ठीक है, अब ऊपर वाली लाइन मिटा लूँ, ऊपर मैं लिखता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ। हम लोग एकदम से समझ लीजिए लक्ष्य के पास पहुँचे हैं, हमारा लक्ष्य हमें मिल चुका है, बट हमें उसे दिखाना है कि कहाँ पर हमारा लक्ष्य है। ठीक है भाई, देखो एक काम करते हैं, जब हम यहाँ से इधर अलग बटे में इतना करेंगे, ध्यान देना, यहाँ से इधर अलग बटे में इतना करेंगे दो कट जाएगा, तो ये दोनों बचेगा, करड़ी का मतलब एक बटे दो घात और इसका मतलब एक घात, एक घात और एक बटे दो घात जोड़ेंगे तो तीन बटे दो घात होगा, एक रुपया और आधा रुपया डेढ़ रुपया होता है ना, उसको तीन बटे दो घात लिखते हैं, और ये दो से दो क्या होगा कट जाएगा, देखिए बताता हूँ। तो सिंपली ये दो कट जाएगा बस। ठीक है, और दो की घात एक से यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, तीनों जगह से कामन ले लीजिए, चेहरा नहीं यहीं से सिर्फ कामन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, दो की घात एक कामन, तो ये दो कट चुका है इस दो से, तो ये दो की घात एक्स कामन, बचेगा क्या एक्स और माइनस में एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स, ऐसे देखो यार ये एक्स अंदर गुणा हो रहा है, एक्स का अंदर गुणा हो रहा है, तो ये माइनस एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स, फिर एक्स का इसमें गुणा होगा, तो एक्स काट एक्स प्लस एक्स काट एक्स इंटू लाग टू बेस ई, लाग टू बेसी रह जाए, तो कामन होके बाहर आ गया यहाँ पे, देखिए अब बटे के नीचे एक्स पे घात तीन बटे दो होगा। ठीक है, एक्स पे घात कितना तीन बटे दो, और ये वाला दो इस दो से क्या हुआ कट गया, अब इस वाले दो का जब इसमें भाग देंगे तो एक बटे दो काट एक्स हो जाएगा, माइनस एक बटे दो काट एक्स, ऐसे समझे ना, नहीं समझे,
मैंने सिर्फ इसमें से दो, इस दो से काटा, इस दो का इसके साथ कनेक्शन, तो माइनस बटे दो काट एक्स उधर हो गया, अब बटे में एक्स की पावर तीन बटे दो रह गया। कोष्टक यहाँ बंद कर दीजिए, एकदम से सटीक आंसर आ गया। बच्चे ने मुझे आंसर भी भेजा था। जी जी बिल्कुल बिल्कुल आंसर आ गया है। ठीक है, हम चाहें तो ये कोष्टक यहाँ बंद कर सकते हैं यहाँ, क्योंकि दो की घात एक्स मैंने यहाँ से कॉमन लिया है ना, शुरू से लेके आखिरी तक, समझ रहे हैं ना। चलिए यही हमारा आंसर है। समझ में नहीं आया होगा अगर तो कमेंट में लिखिएगा, मैं इसको फिर से रिपीट करूँगा कुछ नए स्टाइल में, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो जिन्होंने प्रयास किया होगा उनको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।